दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कप्तान और कप्तान की जोड़ी ने चकनाचूर किया बांग्लादेश की गेंदबाजी की लाइनअप। वापसी करते ही रोहित ने बचाया बल्ले से गदर, तो राहुल ने खेली ऐसी तूफानी पारी कि जिसे देख दहल उठा बांग्लादेश का खेमा। तो आखिर कैसे रोहित के साथ राहुल ने तूफानी चौके और छक्के लगाकर आखिरी गेंद पर दिलाई भारत को जीत। इस खतरनाक प्रैक्टिस मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित और विराट में से कौन सबसे बेहतर कप्तान और बल्लेबाज है, कमेंट करके बताइए। दोस्तों, 4 दिसंबर को होने वाले पहले वनडे मुकाबले से पहले दोनों टीमों ने अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के इरादे से एक प्रैक्टिस मैच खेला और इस मैच में बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और शाकिब अल हसन की आतिशी बल्लेबाजी से बांग्लादेश ने भारत के सामने 340 रनों का बेहतरीन स्कोर खड़ा कर दिया। हालांकि अधिकांश सभी भारतीय गेंदबाजों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे कमाल का प्रदर्शन किया दीपक चाहर ने। उन्होंने अपने 10 ओवर के कोटे में 50 रन देकर 4 बांग्लादेशी बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। दोस्तों, 340 रनों के बड़े से लक्ष्य का पीछा करने की जरूरत थी और एक शानदार शुरुआत की जरूरत थी। शिखर धवन और कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। मैदान में मौजूद फैंस का जोश तो देखते ही बन रहा था, क्योंकि उनके दो सबसे चहेते सितारे वापस आ गए थे। पहले ही ओवर में धवन ने 2 चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की। उनकी बल्लेबाजी को देखकर यही लग रहा था कि वो आज तबाही के मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं, और उन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले 5 ओवर में उन्होंने टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। मुकाबला वनडे का चल रहा था, लेकिन गब्बर T20 के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से रोहित धवन की बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाजी कर रहे धवन को तस्कीन अहमद ने पवेलियन की राह दिखा दी। अब दोस्तों, उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए थे किंग कोहली, और रोहित के साथ मिलकर विराट ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को देखते ही देखते 130 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत एक अच्छी स्थिति में लग रहा था, लेकिन तभी एक और झटका लगता है और विराट भी 140 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है भारत के उप कप्तान KL राहुल की, और अब कप्तान और उप कप्तान की जोड़ी मैदान पर थी और दोनों ने मोर्चा संभाला और बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। दोस्तों, अब तक राहुल की फॉर्म बेहद खराब थी, लेकिन थोड़े दिन आराम करने के बाद राहुल ने अपना आक्रामक रुख धारण कर लिया था। रोहित के साथ मिलकर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत को देखते ही देखते 240 रनों के पार पहुंचा दिया था और केवल 38 गेंदों में ही 50 जड़ दिया। दूसरी तरफ रोहित ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए थे और वो एक तरफ से पारी को संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और कप्तान होने की भूमिका को बखूबी निभा रहे थे। दूसरी तरफ से राहुल ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी 40 ओवर तक। टीम इंडिया 270 रन बना चुकी थी और राहुल और भी ज्यादा खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारत को अगले 10 ओवर में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी, लेकिन तभी भारतीय टीम को एक और झटका लगा और KL राहुल भी पवेलियन लौट गए। उन्हें शाकिब अल हसन ने अपना शिकार बनाया। दोस्तों, भारत के लिए ये एक तगड़ा झटका था, क्योंकि राहुल बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। 61 गेंदों में 78 रन ठोक कर राहुल ने भारत को मुश्किलों से तो निकाल दिया था, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। अब उनकी जगह आ गए थे श्रेयस अय्यर। दूसरी तरफ से कप्तान रोहित भी अपने शतक के काफी करीब थे और पारी के 42वें ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाकर उन्होंने अपने शतक को अंजाम दिया। और ऐसा पहली बार हुआ कि रोहित शर्मा ने इतनी देर तक मैदान पर डटे होने के बाद शतक जड़ दिया था। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके तो वहीं पर केवल 2 छक्के लगाए। लेकिन दोस्तों, शतक पूरा करते हुए रोहित शर्मा कहर बनकर बांग्लादेश पर टूट पड़े और केवल चौके छक्कों से डील करने लगे। उनका श्रेयस अय्यर बखूबी साथ निभा रहे थे और आप इन दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय टीम ने महज 49 ओवरों में ही 330 रन बना दिए थे और आखिरी ओवर में दरकार थी 10 रनों की। यहां श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए महज 17 गेंदों पर 38 रन जड़ दिए थे। दोस्तों, फैंस की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा जब तक मैदान में मौजूद है भारतीय टीम हार ही नहीं सकती है, और इस बात को कप्तान ने फिर से साबित किया। अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की पहली 3 गेंदों पर ही खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्का जड़कर उन्होंने भारत की झोली में इस मुकाबले को डाल दिया। बांग्लादेश को तो भरोसा ही नहीं हुआ कि 340 रन बनाने के बाद भी वो हार गए। दोस्तों,
वार्म अप मैच में तो सभी खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में लग रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि पहले वनडे मैच में कौन सा भारतीय खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।